हम लोग पिछले क्लास में पुर्तगाली भारत आया था, ये किए थे हम लोग ना, वास्को डी गामा पढ़े हम लोग, फ्रांसिस्को डी अल्मिडा पढ़े, अल्फांसो डी अल्बुकर्क पढ़े। तो पहले पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था हमारा, वो फ्रांसिस्को डी अल्मिडा था, याद आया? हाँ, चलिए भूलिए नहीं, चलिए आप लोग राइट डाउन करते चलिए, हम पॉइंट वाइज आप लोग को लिखा देते हैं पुर्तगाली के बारे में, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे। चलिए निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी आप लोग पेपर पेन ले लीजिए, पेपर पेन ले लीजिए। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन पुर्तगाली, प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था, तब आप वास्को डी गामा करेंगे। लेकिन हम क्वेश्चन क्या पूछे आपसे कि पुर्तगाली गवर्नर कौन था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ओके, चलिए लिखिए, लिस्ट कीजिए, कुछ पॉइंट वाइज कुछ कुछ लिखा देते हैं आपको पुर्तगाली के बारे में, जो आपको याद रखना है और आपको इसको जो है इसको बार बार रिपीट करना है, मतलब कि पढ़ते रहना है उसको। लिखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। एक एक चीज को एक एक पॉइंट में लिखते चलिएगा आप लोग। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आए थे और सबसे अंत 1961 में भारत से गए। लिखिए, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, 1498, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। आए सबसे पहले 1498 में, आए सबसे पहले यही आए थे और सबसे लास्ट में गए 1961 ईस्वी में, यहां से वापस गए। क्लियर, राइट डाउन कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। जिस समय, लिखिए, जिस समय वास्को डी गामा, जिस समय वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, उस समय वहां का हिंदू शासक कौन था बताइए? पिछले क्लास में सारा करवाए हुए थे आप लोगों को, आनंद हिंदू शासक था, हिंदू शासक था, जमेरिन, जमेरिन। हाँ ठीक है, हाँ, जिस समय वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, उस समय वहां का हिंदू शासक जमेरिन था, जमेरिन था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगालियों ने केब्राल, केब्राल, पुर्तगालियों ने केब्राल के नेतृत्व में कालीकट में प्रथम कारखाना स्थापित किया, यानी कि सबसे पहले ये लोग कालीकट में जो है अपना कारखाना स्थापित किया था, और उसको उसका जो निर्माण का वो स्थापना किया था वो केब्राल के नेतृत्व में हुआ था, केब्राल ने करवाया था।
लिखिए, पुर्तगालियों, लिखिए पुर्तगालियों ने केब्राल के नेतृत्व में कालीकट में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। क्लियर, हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, हम खाली इसको केवल पॉइंट कर देते हैं ताकि आप लोग उसको पॉइंट वाइज याद कर लें। उसको पहला गवर्नर कौन था, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, अच्छा केब्राल के बारे में बताए थे आप लोगों को। केब्राल जिसके नेतृत्व में, ध्यान सुनिएगा आप लोग, केब्राल जिसके नेतृत्व में क्या हुआ था, कालीकट में कारखाना स्थापित हुआ, उसके बारे में सुनाए थे आप लोगों को ना। ये दूसरा पुर्तगाली था, हाँ पहला पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा था। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, दूसरा पुर्तगाली केब्राल था। यह आया था आपको 31 दिसंबर 1500 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1500 को भारत आया था। इसके बाद ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा को ये कब से कब तक रहा था, 1505 से 1509 तक। हाँ वेरी गुड, ये याद रखिएगा, 1505 से लेके 1509 तक। चलिए लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। और इसका बहुत फेमस चीज था क्या, कि इसने जो है भारत में शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, इसने भारत में शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इसके बाद हमारा दूसरा गवर्नर था 1509 से लेकर 1515 तक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कर दिए थे आप लोग को हम, ठीक है ना, 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ओके, इसका मुख्यालय कोचीन था, यानी कोचीन में इसने अपना मुख्यालय बनाया था।
इसका मुख्यालय कोचीन था। और इम्पोर्टेंट बात एक और था इसमें जो बताए थे आपको, ये गोवा को जो है 1510 ईस्वी में किसे लिया था, आदिल शाह। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा, 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। नेक्स्ट पॉइंट में अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नूनो द कुन्हा, इसका नाम है, बहुत अच्छा नाम है, नूनो द कुन्हा, नूनो द कुन्हा जिसने 1529 ईस्वी में भारत में कार्यभार ग्रहण किया। 1529 इसका कार्यकाल है, याद रखिएगा, 1529 में आया था ये, 1529 से लेकर 38 तक रहा था ये, 1529 से लेकर 1538 तक, नूनो द कुन्हा। जिस वक्त ये आया था उस वक्त हिमायूं जानते हैं आप लोग, हिमायूं का नाम सुने होंगे, हाँ मुगल शासक था, हाँ तो सबसे पहले कौन, बाबर, तब हिमायूं, तब अकबर, हाँ नहीं तब अकबर, ठीक है, उसके बाद अकबर के बाद कौन, जहांगीर के बाद शाहजहां, हाँ ये इसका है औरंगजेब, तो ये आगे हम लोग देखेंगे जो जो बचे हुए हैं। तो जब ये आया था नूनो द कुन्हा आया था उस वक्त हुमायूं के बीच में और बहादुर गुजरात का जो बहादुर शाह था इसके बीच जो है लड़ाई छिड़ा हुआ था, लड़ाई चलते रहता था, इसका इसने क्या किया, खूब फायदा उठाया और 1534 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा ये 1534 ईस्वी में लिख लीजिए 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव, दमनदीव है ना, दीव पर अपना अधिकार कर लिया। 1534 में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव में अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि हुमायूं जो था वो लगा हुआ था बहादुर शाह के साथ। और 1500 ये हो गया, 34 हो गया, ये तो पढ़ ही लिए हम लोग, और 1500 क्या किया ये 30 ईस्वी में, 29 में आया था और 1530 ईस्वी में क्या किया इसने, इसका जो पहले था अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था, इसने क्या किया 1530 ईस्वी में कोचीन से मुख्यालय को लेकर चला गया गोवा, ठीक है, 1530 ईस्वी में ये अपना मुख्यालय क्या किया, कोचीन से हटाकर गोवा कर दिया, नूनो द कुन्हा का नाम था, नूनो द कुन्हा, याद रहेगा सबको, एकदम पॉइंट वाइज लिखते चले जाइए आप लोग, एकदम पॉइंट वाइज याद कर लीजिएगा इसको। इसके बाद बहुत सारे और गवर्नर आए तो कोई खास उसका बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा इसमें, ठीक है ना, धीरे धीरे जो पुर्तगाली जो है स्पेन के साथ मिल गया और जब नए और डच आने आ गया, अंग्रेज आ गया, तो इसका जो है शक्ति भारत से कमजोर होने लग गया, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत,
बताइए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ था पुर्तगाली के बारे में। एक और चीज़ है इसमें, बड़ा अच्छा चीज़ हुआ था 1535, लिखिए 1580 ईस्वी में, 1580 में, 1580 ईस्वी में पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया। और जब वो स्पेन से के साथ वो मिल गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसका अपना जो वर्चस्व था, इसका अपना जो इंडिपेंडेंसी था वो खत्म होने लग गया। 1580 ईस्वी में पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया। क्लियर। और उसके बाद डच आ गया, अंग्रेज आ गया, युद्ध अलग अलग जगहों पे युद्ध होने लगा, इसका सैनिक पराजित होने लग गया, तो इस ये पुर्तगाली यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में क्या हो गया, कमजोर पड़ने लग गया। 96 में 1580 में ऐसा हुआ था, 1596 ठीक है ना, डच क्या किया, पुर्तगाल को खदेड़ दिया, गोवा वाला पोर्शन इसका रह गया इसके पास, बाकी पोर्शन क्या हो गया था, खाली हो गया था। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा डच के बारे में जान लेते हैं। पुर्तगाली में इतना काम का चीज हमारा था, अब आइए डच के बारे में। अब हेडिंग बनाइए आप लोग, डच कीजिए, डच लिखिए, डच। डच, अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन पूछा गया, जवाब दीजिएगा। आप लोग जानते हैं वास्को डी गामा का ये समाधि कहाँ पे है, वास्को डी गामा का समाधि ये याद रखिएगा, कोचीन में है, कोचीन में। ये वायसराय बन के आया था, वास्को डी गामा पहली बार आया था और लौट गया था, उसके बाद दोबारा इसको वायसराय बनाकर भेजा गया था, जब तो जब आया था तो यहीं पर ये मर गया। इसकी समाधि कोचीन में बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है, तो आप लोग वास्को डी गामा कीजिएगा। आइए डच, आइए डच बहुत ज्यादा यहां पे इंपैक्ट नहीं डाल पाया हमारे यहां। डच बोलते हैं नीदरलैंड या हॉलैंड में रहने वाले को डच बोलते हैं, लिखिए नीदरलैंड या हॉलैंड में रहने वाले को डच बोलते हैं। सबसे पहला डच यात्री, लिखिए पॉइंट बनाइए आप लोग, सबसे पहला डच यात्री कार्नेलिस, कार्नेलिस डे हस्तमान, कार्नेलिस डे हस्तमान, कार्नेलिस डे हस्तमान, ये पहला डच यात्री था जो भारत आया था। पहला डच यात्री कार्नेलिस डे हस्तमान था जो कि भारत आया था। ये जनरली जो डच जो आया ना, ये जनरली इसका जो इंटरेस्टेड एरिया था वो दक्षिण पूर्व एशिया था। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा था, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या था, वहां दिक्कत था कि वहां पे मसाला अवेलेबल नहीं था। हम मसाला की कहानी आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, वहां पे मसाला जो है वो उपलब्ध नहीं था। तो ये लोग क्या किया, मसाला के लोभ में, मसाला प्राप्त करने के लोभ में ये लोग क्या किया, भारत की ओर आया ये लोग। ठीक है, ओके, हाँ, ये लोग जनरली दक्षिण पूर्व एशिया में ये लोग अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा था, लेकिन देखा क्या कि भाई मसाला तो वहां अवेलेबल है नहीं, तो ये
मसाला वहाँ से पूर्ति हो नहीं सकता था, और मसाला में बहुत बेनिफिट था, मसाला में बताए हुए थे आप लोगों को, तो मसाला की पूर्ति के लिए ये लोग क्या किया, भारत की तरफ अपना रुख किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डचों ने मुसलीपट्टम पुलिकट सूरत पुलिकट प हर्सुकार पुलिकट सूरत बालासोर जगहों पर इन्होंने अपनी क्या क्या इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया, आदि जगहों पे इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। कहां कहां स्थापना किया था, ये मुसलीपट्टनम में किया था, फैक्ट्री बताए थे ना मुसलीपट्टनम में, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया, ध्यान समझिएगा। उसके बाद मुसलीपट्टनम में 1605 में इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी, पुलिकट में 1610 में किया, सूरत में 1616 में किया, 1616 में किया, ठीक है। उसके बाद ये लोग इधर पूर्वी भारत की तरफ कहाँ आ गया हमारा, ये कासिम बाजार पटना इन सब जगहों पे इसने क्या किया, अपना फैक्ट्री लगाया, ठीक है, याद रहेगा। अंग्रेजों ने 1795 ईस्वी में 1795 ईस्वी में डच को क्या कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, यहां से भगा दिया। तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे यहां डच नहीं रहा, हमारे यहां पुर्तगाली जितना पुर्तगाली का रहा, और फिर अंग्रेज तो पढ़ेंगे ही हम लोग, अंग्रेज तो देखेंगे ही, अंग्रेज तो काफी दिन हमारे यहां रहा, क्या है कि नहीं, कौन सा लाइन को, 1795 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को 1795 ईस्वी में पूरी तरह से भारत से बाहर कर दिया। ठीक है, क्लियर, आनंद, चित्रांशी, निशा, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए दो चार इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज सब है जो डच के बारे में हम बता देते हैं आपको, उसे डच बहुत खास है नहीं इसमें, डच में कुछ हम लोग करना नहीं है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से वो हम कुछ कुछ करवा देते हैं आपको। गया जो डच के बारे में जो पूछा गया है वो केवल हम करवा देते हैं आपको। पुलिकट में बताए थे, खाली याद रखिएगा, लिखना नहीं है, बस एग्जाम जो पूछा गया था उसके बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है ना। पुलिकट में यह सिक्का ढालता था डच, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कौन सा जगह था जहां जो डच जो है वो सिक्का ढालता था, स्वर्ण पेगोडा, ये सिक्का ढालने का वहां पे लगाया था, ये सिक्का वहां ढालता था डच। तो ये सिर्फ याद रखिएगा, डच का बहुत ज्यादा हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग अब आते हैं अंग्रेज में, हमको जनरली जो है पुर्तगाली का वो पढ़ना था और अंग्रेज पढ़ना था, लेकिन चूंकि बीच में ये डच आ गया था तो डच को थोड़ा सा देख लिए, अब हम लोग अंग्रेज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज को हम लोग अच्छे से करना है हम लोगों को। चलिए अब लिखिए, अंग्रेज बनाइए हेडिंग, अंग्रेज इंग्लैंड को कीजिए,
एक बार आप लोग केवीसी देखे थे, केवीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था। क्वेश्चन आप लोग कभी केवीसी देखे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था। चलिए लिखिए आप लोग, इसका आंसर था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन लिखिए। 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से रेड ड्रैगन नामक जहाज, रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत बंदर के बंदरगाह पे, गुजरात के सूरत बंदरगाह पे आया। सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। तो अब एक ध्यान देने वाली बात है कि कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो समुद्री मार्ग से आया था, कौन सी ईस्वी में? 1608 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले, ठीक है ना, एक 1597 में आया होगा, हाँ 1597 ईस्वी में, 1597 में, ठीक है ना, सड़क मार्ग से जॉन मिल्डन हॉल, ये नाम याद रखिएगा, सबसे पहले जो अंग्रेज आया था भारत और वो रास्ते के मार्ग से आया था, 1597 ईस्वी में ही आ गया था, 1597 में ही। ये आप लोग कहीं राइट डाउन कर लीजिए, नहीं तो इन जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं वो 1608 ईस्वी में, ठीक है ना, हॉकिंस नामक अंग्रेज जो था वह क्या हुआ था, रेड ड्रैगन, इसको हेक्टर बोलते हैं हम लोग, ब्रैकेट में हेक्टर कर लीजिएगा आप लोग, हेक्टर नामक जहाज से क्या हुआ था, सूरत उतरा था, सूरत बंदरगाह पे उतरा था। लेकिन जब ये दिया हो कि इससे पहले कौन अंग्रेज आया था, तो उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल प्रथम अंग्रेज यात्री, जॉन मिल्डन हॉल जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया था, जॉन मिल्डन, मिल्डन हॉल। अच्छा, अभी आपको एक कहानी सुनाए थे, ठीक है ना, अभी एक बात बता रहे थे, क्या, कौन सा बात, स्पेन से मिलने वाला, ये क्या हुआ था, पुर्तगाली क्या किया था, स्पेन से मिल लिया था, ठीक है ना, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो पुर्तगाली था ये लोग क्या किया, स्पेन से संधि कर लिया, स्पेन के साथ हो लिया, इसका पुर्तगाल का विलय जो हो गया था वो स्पेन हो गया था, स्पेन के साथ। तो स्पेन का एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था, ठीक है ना, अर्मेडा, इसका नाम था अर्मेडा, ठीक है, जिसको कि 1588 ईस्वी में अंग्रेज क्या किया था, हरा दिया था। ये बोले ना, यहीं से पराजय शुरू हो गया था, जैसे ही पुर्तगाली लोग क्या किया, स्पेन से संधि किया और उसके बाद अंग्रेज आ गया और बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था, जहाजी बेड़ा से ही व्यापार का सारा मार्ग होता था ना। तो 1588 ईस्वी में क्या हुआ था, 1588 ईस्वी में, 1588 ईस्वी में स्पेनी जहाज बेड़ा जो अल्मेडा था, जो उसको क्या किया था, अंग्रेज के द्वारा पराजित कर दिया गया था। और इस यहां पे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यही किया था, अभी जो नाम बताए, जॉन मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल ही इस सेना का नेतृत्व किया था, कितना बड़ा जहाजी बेड़ा को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इसके बाद से ही क्या हुआ, जो है एशिया में पुर्तगाली का जो नियंत्रण था वो कमजोर हो गया, इतना बड़ा जहाजी बेड़ा, नौसेना वहां पे कमजोर हो गया, ठीक है ना, नौ का रास्ता, जो आने जाने का रास्ता था, ठीक है ना, अंग्रेज जो है उसका, उस पर कंट्रोल करने लग गया,
जहाजी बेरा वहां से क्या हुआ उसका खत्म हो गया, स्पेन की स्थिति खराब हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पुर्तगाली लोग जो थे उसका जो एशिया में यहां से पैर उन लोगों का उखड़ गया। ओके ठीक है। ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब एक कुछ कहानी और सुनाते हैं आप लोगों को, तब आप और मजा आएगा। 1599 ईस्वी में अब देखिए सुनिएगा कहानी, इससे पहले क्या हुआ था लिखते चले जाइए आप लोग। 1599 ईस्वी में पूर्व के देश से व्यापार करने के लिए, ठीक है ना, पूर्व के देश से व्यापार करने के लिए अंग्रेज लोग क्या किया था, एक कंपनी बनाया था 1599 ईस्वी में। जैसे अभी भी हम लोग कंपनी फॉर्म करते हैं वो बिजनेस करने के लिए, तो इसमें क्या किया था, इसने व्यापार करने के लिए अंग्रेज लोग क्या किया था, एक कंपनी बनाया था जिसमें कि 217 व्यापारी था, 217। इस कंपनी में कुल 217 व्यापारी थे, 217 व्यापारी। अब इस कंपनी का नाम देखिए, आप लोग कहीं नाम मेंशन कर लीजिए, इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। फिर से नाम बोल देते हैं, सुन लीजिए, बड़ा अच्छा नाम है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट मतलब व्यापारी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, लंदन के व्यापारी का, ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बोले ना कि पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए ये कंपनी बनाई गई थी, इनटू द ईस्ट इंडीज। और इसमें रानी एलिजाबेथ का भी शेयर था। अब ध्यान समझिएगा कहानी कहां से बन के आ रहा है। इस कंपनी, ये जो कंपनी बनाई गई और इस कंपनी में उस वक्त रानी एलिजाबेथ वहां इंग्लैंड की महारानी थी, वो 1558 से लेकर 1603 तक थी ना वहां पे। तो क्या हुआ कि इसमें जो है रानी एलिजाबेथ का भी शेयर था, उसमें भी इसका हिस्सेदारी था। ओके चलिए अब देखिए इसके आगे क्या हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी लिखिए आप लोग, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, अब ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान समझते हैं आप लोग, शाही फरमान देकर इस कंपनी को, कब बना था ये कंपनी, 1599 में बना था, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या किया महारानी विक्टोरिया, मतलब कि ये एलिजाबेथ क्या किया, एक शाही फरमान जारी किया और 15 वर्ष के लिए, ध्यान समझिएगा, इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अनुमति दे दिया। ओके कि जाओ, तुमको शाही फरमान दे रहे हैं, तुमको इंग्लैंड से इजाजत है, जाइए आप पूर्व के देश के साथ व्यापार कीजिए, आपको ऑथराइज कर रहे हैं व्यापार करने के लिए। ओके इसी को हम लोग चार्टर बोलते हैं, ये जो शाही फरमान दिया गया था इसी को हम लोग चार्टर बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भी, हम लोग जब अपना इंडिया का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो इस चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ते भी हैं। ये चार्टर, इसको हम लोग चार्टर, हाँ चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। अच्छा कंपनी का देखिए कहां से शुरू होता है, किस तरीके से काम शुरू होता है। अच्छा कंपनी का काम सही तरीके से चल सके, ध्यान समझिएगा, आप राइट डाउन करते चलिएगा या बाद में वीडियो देख के आप लोग फिर लिख भी लीजिएगा। कंपनी का काम
सुचारू रूप से चलने के लिए मतलब चलाने के लिए 26 सदस्य का ठीक है ना एक बोर्ड बनाया गया, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, अभी भी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, सारा वहीं का दिया हुआ है ही। 26 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, या इसको हिंदी में हम लोग निदेशक मंडल बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। इसमें क्या होगा, एक जो होता था वो हेड होता था, इसको निदेशक बोलते थे, चीफ डायरेक्टर, दूसरा उप निदेशक होता था, और 24 इसके मेंबर होते थे। 26 सदस्य का क्या बनाया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, उसमें से एक को हम लोग बोलते हैं निदेशक बोलते थे, हेड को, दूसरे को उप निदेशक बोलते थे, और ये 24 जो बच गए इसके सदस्य होते थे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, कहानी सुनते चलिए, लिखते चलिए, दिमाग में बिठाते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो पहला यात्रा शुरू हुआ, ठीक है ना, पहला समुद्री यात्रा शुरू हुआ वो 1601 ईस्वी में, 1600 में 31 दिसंबर 1600 में 1600 को फरमान लिया, यानी 31 दिसंबर वो साल लास्ट खत्म हो गया वो। इसके बाद 1601 से लेकर 3 के बीच में जो है प्रथम समुद्री यात्रा शुरू हुआ, अंग्रेज लोग इधर आना शुरू किया। लिखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, पॉइंट बनाइए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा 1601 से 1603 1601 से 1603 के बीच में की गई, 1601 से 1603 में की गई। ठीक है, सबसे पहले ये लोग कहाँ पहुंचा, इंडोनेशिया पहुंचा, इसका जहाज जो है सबसे पहले पहुंचा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का मसाला द्वीप। लिखिए, पॉइंट में लिखिए, इनके जहाज जो थे इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचे। उसके बाद 1608 ईस्वी में, लिखिए 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पे यानी गुजरात सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली गई। उस समय व्यापारिक कोठी को हम लोग गोदाम बोलते थे, कारखाना बोलते थे। ठीक है, प्रथम कारखाना, तो एक व्यापारिक कोठी खोली गई 1608 ईस्वी में। कहाँ खोला ये, सबसे पहले सूरत में खोला। एक बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहे हैं, लिखिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, अब इन लोगों को क्या चाहिए, अब इन लोगों को चाहिए शाही कृपा। यहाँ पर चूंकि यहाँ राजा था, मुगल एम्परर था, मुगल का सब जगह छोटे छोटे राजा थे, तो अब इन लोगों को क्या चाहिए था, व्यापार करने के लिए इन लोगों को अब चाहिए था कि यहाँ के राजा लोगों से क्या करें, दोस्ती करें, उनका ये लोग जो है क्या करें, उनका अनुकंपा प्राप्त करें। इस उद्देश्य से क्या किया गया, ठीक है ना, राजा लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राजा जेम्स प्रथम, राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ, के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजा गया। 1608 ईस्वी में भारत भेजा गया, जो कि 1609 ईस्वी में
मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है, 1609 ईस्वी में मुगल दरबार, ठीक है ना, जहांगीर के सामने उपस्थित हुआ। अब इतने दूर से आया था, ठीक है ना, शाही फरमान था इसके पास। उसके बाद इसका स्वागत वहाँ बहुत अच्छे तरीके, भव्य तरीके से इसका स्वागत किया गया। और जो काम की चीज़ें आप लोगों के याद करने की चीज़ है, लिखिएगा इसको, 400 का मनसब, ध्यान सुनिएगा, एक जागीर और खान की उपाधि प्रदान की गई, ये याद रखिएगा। जब वहाँ से आया, ये राजा का पत्र लेकर आया और जहांगीर के दरबार में पहुंचा, तो जहांगीर इसको एक मित्र की तरह इसका स्वागत किया और इसको पुरस्कार के स्वरूप में 400 का मनसब, एक जागीर और क्या हुआ, खान की उपाधि प्रदान की गई। और अंग्रेज से, सॉरी जहांगीर से इसने क्या कहा, सूरत में कंपनी खोलने के लिए, सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए इसने क्या किया, आज्ञा पत्र लिया। जो अभी 32 बता रहे थे, 1608 ईस्वी में खोला ये, 1608 ईस्वी में इसने जहांगीर से क्या किया, आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया कि हमको एक सूरत में क्या करना है, एक व्यापारिक कोठी खोलना है। लेकिन संयोग से क्या हुआ कि उस समय पुर्तगाली का वर्चस्व था, ठीक है ना, षड्यंत्र, पुर्तगालियों ने इन लोगों के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे षड्यंत्र होने लगा तो इस षड्यंत्र के वशीभूत क्या हुआ, ये जो इसको आज्ञा पत्र मिला था वो रद्द कर दिया गया। इसकी आज्ञा जो इसको मिला था 1608 का, क्या आप व्यापारिक फैक्ट्री खोलिए, इसको रद्द कर दिया गया। ओके, और उसके बाद जब ये आज्ञा पत्र रद्द हो गया तो वह हॉकिंस यहां से वापस लौट गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? याद रहेगा? फिर जाके 1613 ईस्वी में जहांगीर को, जहांगीर ने क्या किया, आज्ञा पत्र दिया और 1613 ईस्वी में सूरत में तब जाकर जो है अस्थाई रूप से वहां पे एक कोठी बनाई गई, व्यापारिक कोठी बनाई गई 1613 ईस्वी में। कोई दिक्कत? हॉकिंस तो चला गया वापस लौट के। 1615 ईस्वी में, अब ध्यान समझिएगा, 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, जो अभी राजेश राजा की बात कर रहे थे, ठीक है ना, फिर क्या किया, किसको भेजा, ठीक है ना, कंपनी के ओर से सर टॉमस रो, नाम सुने होंगे इसका आप लोग, जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन आया था, हॉकिंस आया था। बेचारा यहाँ षड्यंत्र में फंस गया, ये 1608 में अनुमति मिला भी, ठीक है ना, उसके बाद फिर रद्द भी हो गया, लेकिन फिर जाके 1613 ईस्वी में वहाँ पे जाके बना कोठी। और उसके बाद वह भारत यहाँ से चला, हॉकिंस लौट गया यहाँ से। इसके बाद 1615 ईस्वी में क्या हुआ, जेम्स, वही राजा जो थे, जेम्स प्रथम जो था, वो क्या किया, कंपनी की ओर से जो है सर टॉमस रो को क्या किया, मुगल दरबार में भेजा। और इसको जो है जहांगीर का कृपा मिल गया, कृपा प्राप्त हो गया। ठीक है, यह जो है आज्ञा पत्र लेने में सफल हो गया। और वह 3 वर्षों तक जो है राजदूत बन के रहा, और उस 3 वर्षों में बहुत जगह इसने क्या की, व्यापारिक कोठी की स्थापना की, अजमेर में, मंडू में, और 2-3 जगह है तो जो काम की चीजें हम लोग वो पढ़ेंगे केवल। ठीक है, तीन वर्ष तो रहा यहां पे, इसको कुछ बहुत हद तक सफलता भी मिली इसको, लेकिन जिस उद्देश्य से आया था, इसका जो मनसा था वह मनसा पूरा नहीं हो पाया। ठीक है ना, कुछ नगर में जैसे कोठी तो स्थापना कर दिया, लेकिन जिस उद्देश्य से आया था कि हम
वर्चस्व इस तरह से कर पाएंगे, ये करने में असफल रह गया। ठीक है, और 16 केवल फैक्ट्री, हाँ हाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कुछ जो है अपना व्यापारिक जो उस तरह से था वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाया यहाँ पे वो। तो फलस्वरूप क्या हुआ, 1619 ईस्वी में सर टॉमस रो फिर वापस यहाँ से लौट गया 1619 ईस्वी में। इसमें याद रखते चलिएगा कहानी में आप लोग, 1615 में आया और 1619 में वापस लौट गया, और 3 साल ये विशेष राजदूत भी रहा जहांगीर दरबार में। ठीक है, और तब तक जो हुआ बाकी दो, यहाँ पे व्यापारिक तो काम चल ही रहा था सूरत में, भरूच में, अहमदाबाद में, मुस्लिमपट्टनम में, आगरा में, सब कोठी स्थापना हो चुका था। ठीक है, और ये जो कोठी स्थापना हुआ, ये लोग तो आता था फिर चला जाता था, तो इसका एक मतलब कि इसको क्या बोलते थे, काउंसिल का एक प्रेसिडेंट बोलते हैं ना उसको, हाँ, ये सभी कोठियां, ठीक है ना, प्रेसिडेंट वो काउंसिल के नियंत्रण में रख दी गई, जो काउंसिल था उसके नियंत्रण में रख दिया गया, उसके अध्यक्ष वही होते थे। सूरत के, सूरत का कोठी का जो प्रेसिडेंट था उसी के अंदर में सारा कोठी जो था उसी के अंदर आता था, वही उसका सारा जो है उसका प्रेसिडेंशियल वर्क कर रहा था वही। उसके बाद 1640 लिखते चले जाइएगा, इसमें 1640 ईस्वी में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। 1640 ईस्वी में मद्रास नगर की स्थापना की गई, 1640 ईस्वी में मद्रास नगर की स्थापना की गई। और वहां पे ये लोग क्या किया, आत्मरक्षा के लिए एक बड़ा सा दुर्ग बनाया। 1640 में मद्रास की स्थापना की गई और इन लोगों ने अपनी रक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया वहां पे। उस दुर्ग का नाम जानते हैं, सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज का किला बोलते हैं इसको, ये याद रखिएगा, मद्रास में है सेंट जॉर्ज का किला, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये हुआ 1640 की घटना। अब आइए 1651 में, 1651 में आइए। अब ये लोग क्या सोचा कि अब व्यापार को क्या करें, विस्तार करें, ठीक है ना, बंगाल तरफ से लाएं। तो अब ये लोग बंगाल के तरफ क्या हुआ, बढ़ना शुरुआत, बंगाल विस्तार के उद्देश्य से क्या हुआ, ये लोग कहां कहां खोला, हुगली में 1651 ईस्वी में, ब्रिजमेन ब्रिजमेन के नेतृत्व में हुगली में भी एक कोठी खोली गई। ब्रिजमेन के नेतृत्व में 1651 ईस्वी में क्या हुआ, हुगली में एक कोठी की स्थापना की गई। हुगली के बाद फिर लोग फिर इधर का एरिया कवर करने लगा, कासिम बाजार, पटना, राजमहल, इन सब जगह पे ये लोग फिर अपना अपना फैक्ट्री, फिर ये लोग अपना फैक्ट्री यहाँ पे खोलने लग गया। नेक्स्ट आइए 1667 ईस्वी, 1667 ईस्वी में तो आ गया औरंगजेब। 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेज को बंगाल में व्यापार करने के लिए लाइसेंस दे दिया, सुविधा प्रदान कर दिया। ठीक है, बंगाल में व्यापार करने के लिए सुविधा प्रदान दिया। ये 1667 की कहानी है। ठीक है, अच्छा, हम लोग चार्ल्स को पढ़ते आ रहे थे, चार्ल्स द्वितीय पढ़ रहे थे हम लोग, जेम्स प्रथम पढ़े थे, फिर चार्ल्स द्वितीय। 1600
61 ईस्वी में लिखी, 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र, अब देखिए इसको इसके काम को बढ़ा दिया कि आप क्या एक कंपनी के रूप में आप क्या क्या कर सकते हैं। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मुद्रा ढालने, यानी आप अपना मुद्रा ढाल सकते हैं, मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने, एवं गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया। देखिए कितना इसको पावर दे दिया एक कंपनी को। कंपनी आई थी सिर्फ व्यापार करने आई थी, यहां पे आज्ञा पत्र लेकर आया था सबसे पहले कि हम वहां व्यापार करेंगे। अब इसको क्या करने का अधिकार मिल गया, अब ये यहाँ पे सिक्का भी ढाल सकता था, किला बना सकता, अपना किला दुर्ग बना, कोठी, अभी तो सिर्फ व्यापारिक कोठी बन रहा था, अब ये दुर्ग कुला किला सब बनाने लग गया। किला बनाने का मतलब है जहाँ पे सैनिक छावनी रहता है, ठीक है, किला बनाने का अधिकार दे दिया। अच्छा, जब किला बनाने का अधिकार दे दिया तो इनके जो अपने लोग थे अगर वह कुछ गलत करता था तो उसको न्याय करने का भी अधिकार दे दिया, यानी कि जुडिशरी पावर भी दे दिया इसको न्याय करने का अधिकार। और जो गैर ईसाई राज्य था, ऑब्वियस बात है यहाँ पे तो वही था ही, इसके साथ यह जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था अपने दम पे, उसके साथ दोस्ती कर सकता था, संधि कर सकता था, संधि को तोड़ सकता था, ये सब सारा अधिकार इसको दे दिया। नहीं तो जनरली राजा के साथ संधि कौन करता है, एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, लेकिन यह अधिकार एक कंपनी को दे दिया गया, ठीक है। यह हुआ 1661 ईस्वी की कहानी। अब ध्यान समझिएगा, 1661 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, 1661 में यह आज्ञा पत्र दे दिया गया, 1662 ईस्वी में जो चार्ल्स द्वितीय था इसने क्या किया था, इसकी शादी एक पुर्तगाली राजकुमारी से हो गया। 1662 ईस्वी में, ध्यान समझिए बात को, 1662 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय क्या किया, एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी कर लिया। तो हम लोग भी जब शादी करते हैं तो अपनी बेटी को क्या करते हैं, दहेज देते हैं, डॉरी सिस्टम। तो इसने क्या किया, उसको बंबई दे दिया दहेज के रूप में, ये पुर्तगाली के कब्जे में था, पुर्तगाली क्या किया, चूंकि उसकी बेटी से शादी हुआ, राजकुमारी से शादी हुआ, बंबई इसको दे दिया, ठीक है। बंबई का बंदरगाह जब मिल गया तो फिर वो भी तो पूरा डॉकयार्ड एरिया है, बंबई मिल गया इसको। और 1668 ईस्वी पे क्या किया, कौन, चार्ल्स द्वितीय, इस कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को 10, ठीक है ना, पाउंड इतना किराया लेंगे और तुमको हम क्या वार्षिक वर्ष में, और तुमको ये हम दे रहे हैं बंदरगाह, बंबई का बंदरगाह दे रहे हैं। आई घटना समझ में, चार्ल्स द्वितीय क्या किया, पुर्तगाली राजकुमारी से शादी किया, पुर्तगाली लोग क्या किया, दहेज के रूप में उसको बंबई दे दिया, यहाँ पे कंपनी ईस्ट इंडिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चार्ल्स द्वितीय से क्या कर लिया, उसने 10 पाउंड वार्षिक पाउंड पे उसने किराए पर ले लिया बंदरगाह को, ठीक है। और यहीं पे, ठीक है ना, 1669 मतलब 69 होता है ना, 1669 और 1677 ईस्वी में, ठीक है ना, इनकी 1669 से लेकर 1669 से लेकर 1677 1677 ईस्वी के मध्य में यहाँ गवर्नर था गेराल्ड, याद रखिएगा कंपनी का उस वक्त गवर्नर था गेराल्ड अंगियार, ये नाम भूल जाइएगा, नाम लिखते चलिएगा आप लोग, गेराल्ड अंगियार कंपनी का गवर्नर था, ये गेराल्ड अंगियार, इसने क्या किया, आधुनिक बंबई की नींव डाली, आधुनिक बंबई की नींव डाली। और
बम्बई बना दिया इसने, ठीक है, और 1670 में हुआ था ना, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट 1687 ईस्वी में क्या किया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या किया, अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई ले आया। 1669 से लेकर 1677 के बीच में जो है बम्बई का स्थापना किया गया, और 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर क्या किया, बम्बई ले आया गया, ठीक है। क्लियर, एक एक घटना एक इधर घटी इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, फिर देखिए 1690 ईस्वी में, अब देखिए कलकत्ता का स्थापना की बात आप लोगों को कहानी सुनाते हैं, वहां क्या हुआ, यहां बम्बे बना दिया, बम्बे बंदरगाह ले लिया, अब कलकत्ता में आइए। 1690 ईस्वी में क्या हुआ, वहां का नवाब था इब्राहिम खां। 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खां ने कंपनी को अपने यहां निमंत्रण दिया, आइए मेरे यहां भी कुछ लगाइए, मेरे यहां भी व्यापार कीजिए, ठीक। इसी क्रम में 1690 में ही जॉब चर्नॉक, हम लोग पढ़ते हैं ना कलकत्ता के स्थापना में जॉब चर्नॉक को, कलकत्ता की स्थापना किसने किया तो हम लोग पढ़ते हैं जॉब चर्नॉक को पढ़ते हैं, यही 1690 ईस्वी में। तो 1690 ईस्वी में जॉब चर्नॉक ने सुनातनी, जगह का नाम है नहीं सुतानती, सुतानती सहरसू का त्वा का नौ तौद्रिकी का सुतानती, जॉब चर्नॉक ने सुतानती में एक अंग्रेजी कोठी का स्थापना किया। जब इब्राहिम खां बुलाया, इसको बंगाल का नवाब था वो बुलाया, तो आकर यहां इसने क्या किया, एक यहां पे इसने क्या कर दिया, एक व्यापारिक कोठी का स्थापना कर दिया। वर्धमान जिला जानते वेस्ट बंगाल में है, वर्धमान जिला का उस वक्त जो क्या कहते हैं उसको जमींदार था, उसका नाम था शोभा सिंह। शोभा सिंह क्या किया, अंग्रेज का मतलब विरोध किया, नवाब बुलाया, ठीक है, इसने क्या किया सुल्तानती में क्या किया, इसने एक कोठी बनाई, व्यापारिक कोठी बनाई, लेकिन वहां जो वर्धमान जिला है उसका एक जो नवाब, उसका जो जमींदार था, उसने क्या किया अंग्रेज का विरोध किया, और विरोध करने पे 1696 ईस्वी में, ठीक है ना, ये लोग क्या किया अपना एक किलाबंदी कर लिया। बोले ना किला की स्थापना में क्या होता था, अपना फौज रखता था ये लोग, तो जब जो कि विद्रोह होने लगा, नवाब बुलाया था, व्यापारी कोठी बनाया, विद्रोह होना शुरू हो गया, तो इसने क्या किया एक किलाबंदी कर लिया, और जो सूबेदार था वहां का, जो सूबेदार था अजी मुसान जो सूबेदार था, वो क्या किया अंग्रेज को 3 गांव का जमींदारी दे दिया। ध्यान समझिएगा, किलाबंदी तो कर ही लिया है, ठीक है, और ये जो सूबेदार था अजी मुसान, इसने क्या किया अंग्रेज को 3 गांव का क्या कर दिया, जमींदारी दे दिया। कौन कौन गांव था, कालीकाता, सुतानती और गोविंदपुर, ये 3 गांव का जमींदारी दिया गया अंग्रेज को, और इसके बदले में क्या देना था इसको, मात्र 1200 रुपये देना था उसको, इन गांव के जमींदारी के बदले में उसको मात्र 1200 रुपये प्रदान करना था। इन्हीं 3 गांव क्षेत्रों को मिलाकर बाद में जो है कलकत्ता नगर की स्थापना की गई, ओके, इन्हीं 3 गांव को मिलाकर यही जॉब चर्नॉक ने क्या किया, कलकत्ता नगर का, कलकत्ता आप लोग देख रहे हैं, कलकत्ता नगर का स्थापना किया, ओके, हाँ, एक्चुअली व्यापारिक कोठी बोलते थे उसको, फैक्ट्री बोलते थे, कारखाना बोलते थे, जनरली होता था क्या कि मसाला ये लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ना लोग गैदर करता था, उसके बाद मसाला के बाद जो सेकेंड चीज था, इसीलिए सूरत में लोग सब लोग गया, कपड़ा, समझे, 2 चीज़ों पर ये लोग जो था अपना वर्चस्व करना चाहता था, एक तो मसाला, चूँकि हमारे यहाँ ही होता था,
और दूसरा सूरत जाने का जो लोग का मेन मकसद था वो था कपरा। अभी भी सूरत जो है कपरा का गढ़ है, हाँ, इसलिए वहां फैक्ट्री लगता था कपड़ों के लिए और मसाला उत्पादन के लिए, पैकिंग के लिए 20 गुना ज्यादा प्रॉफिट लोग लेता था। सोचिए तब लोग सब ये लोग यहां पे आया कि ठीक है। और यही जो सुता नतीजे पे जो किला बंदी किया, जिसको कि अभी हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम बोलते हैं, है ना, अभी कलकत्ता वाला फोर्ट विलियम, ठीक है। और इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम, जिसके कि प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए थे, सर चार्ल्स आयर। ये नाम याद रखिएगा आप लोग, लिख लीजिए आप लोग इस चीज को। 1697 ईस्वी में सुतानती के किलेबंदी कोठी का नाम, के किलेबंदी कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा, तथा सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए, इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए। सर चार्ल्स आयर यही हमारा भारत में जो अंग्रेजों का जो आगमन हुआ, यही उसकी स्टोरी है। तो इस तरीके से देखिए कहाँ कहाँ कब्जा हो गया इसका। कलकत्ता का पोर्शन बंदरगाह कर लिया ये, बम्बई कर लिया ये, मद्रास कर लिया ये, तो अंग्रेज का पूरा क्या हुआ, भारत में यहाँ से उदय होना शुरू हो गया। कंपनी ने 80 वर्ष के अंतराल में ही 3 प्रमुख बंदरगाह, तीनों एरिया देखिएगा कहाँ कहाँ, बम्बई, ठीक है ना, इसके बाद आ जाइए कलकत्ता बंगाल का पोर्शन, और उसके बाद मद्रास का पोर्शन साउथ का, ठीक है ना, किसके कब्जे में आ गया। तो यही भारत में जो था अंग्रेज जो अपना पैर जमाने में क्या हो गया, सक्षम हो गया।